हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से डॉक्टर ए के प्रसाद यानी अनिल पतंग का नमस्कार। आपके स्वास्थ्य और आपके शरीर के विसंगतियों की चिंता मुझे रहती है और इसी चिंता के कारण मैं दिन रात आपके लिए काम करता हूं। ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ी बात बनती है, लेकिन एक जागरण, अगर आप हमारे इस वीडियो को देखकर अगर कुछ भी लाभ लेते हैं और उस पर अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। और आप हमारे इस काम के लिए आप इसको लाइक करते हैं, अपने मित्रों के लिए शेयर करते हैं और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हैं और बगल के आइकॉन की घंटी को दबा के अगर उसका नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर देते हैं तो आपको सारी हमारी सूचनाएं मिलती रहती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो विषय है वह है कब्ज, कोष्ठबद्धता, कंस्टिपेशन, और इसका कारण क्या। मैं तो मानता हूं कि इसका कारण बस गलत जीवन शैली, एक शब्द में अगर कहूं तो गलत जीवन शैली के कारण ही हम कोष्ठबद्धता के शिकार होते हैं, जो हमारे शरीर में अनेक विकृतियों को पैदा करके अनेक रोगों का जड़ बनता। दुनिया में कब्ज से परेशान प्राय कमोबेश अधिकांश लोग रहते हैं और उसका कारण शरीर में अन्य कई रोग उत्पन्न होते रहते हैं। अगर इस पर हम गहन चिंतन करें तो पाते हैं कि इसका कारण हमारी गलत जीवन शैली ही है। लेकिन कारण क्या क्या होता है? लोग आलस्य में पड़े रहते हैं, ज्यादा बैठते हैं आजकल और रात में जगते हैं, शौच जाने के समय की नियमित नहीं होता है, कब शौच जाते हैं कब नहीं जाते हैं वो काफी रोक के रखते हैं। कब्ज दूर करने के लिए जुलाब का प्रयोग या और अनेक कई दवाइयों का लगातार सेवन करने से भी उसकी और भी कोष्ठबद्धता बढ़ जाती है। अविधिक उपवास, व्रत त्योहार और देखिए गरिष्ठ भोजन मांसाहार, आप देखते होंगे कि जिस दिन आप मांस मछली अंडा मुर्गी खाते हैं आपका कब्ज बढ़ जाता है। कारण है उसमें तेल मसालों का प्रयोग, हम फिर बात करेंगे उस पर। आंतों में कम मात्रा में पाचन रस निकलना या पित्त कोष से कम मात्रा में पित्त का निकलना इसका कारण बनता है। देखिए मद्यपान, धूम्रपान, गांजा, भांग, तंबाकू, गुटखा, ये सब तो कारण होता ही है। और आप हमको बताएंगे कि जितना चीज का नाम ले रहे हैं इसका कोई लाभ हो, 1% भी लाभ अगर आपको होता हो, कहने के लिए कहावत तो लोग बहुत बना देते हैं लेकिन बंधुओं ये काफी नुकसान वाली चीज है, सब लोग जानते हुए भी इसका प्रयोग करते हैं। देखिए आंतों में ट्यूमर और पथरी वगैरह हो जाने के अलावा भी अनेक रोग वो के कारण कब्ज होता है, एनीमिया, क्लोरोसिस, लकवा आदि रोगों में आंतों की पेशियां कमजोर होने के कारण भी कब्ज हो जाता है। अधिक मात्रा में शरीर से पसीना निकालना, बहुमूत्र होना, फेफड़े का रोग होना, स्पाइन कॉर्ड में कोई रोग होना भी इसका कारण हो सकता है। इसका कारण हो सकता है पानी सही ढंग से नहीं पीना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल लोग ना सांस सही ढंग से ले पाते हैं ना पानी सही ढंग से लेते हैं, खाना तो खैर नहीं ही लेते, अपने आहार में अनियमितता जिसके कारण प्रोटीन, वसा, आपका देखिए कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन्स आदि जो मिनरल्स होते हैं उसकी संतुलित मात्रा में न लेकर अधिक या कम कैलोरी वाला भोजन ग्रहण करना, चिंता, तनाव आदि, इसके कारण कब्ज हो जाता है। तो लक्षण क्या होता है? आप महसूस करते होंगे कि जिस दिन आपका खुला शौच नहीं होता उस दिन दिन भर परेशान रहते हैं लोग, विषैले गैस निकलते हैं, उससे दुर्गंध आती है, आंतों में शरण पैदा होता है, भोजन में अरुचि हो जाती है, सिर दर्द होने लगता है, भूख की कमी होती है, जो खाते हैं उसमें हमें स्वाद नहीं आता, आप किसी भी अच्छी चीजों को भी खाएंगे उसके स्वाद नहीं आएगा, जीभ पर देखिएगा कि मैला सा एक मोटा सा परत जम जाता है, पेट तरा तरा सा रहता है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, हृदय का धड़कन तेज हो जाता है और अनिद्रा रोग भी उत्पन्न हो जाती है। ये सब लक्षण है आपके कोष्ठबद्धता का, कब्ज का होने से।
अब इस पर हम जान वो बताना चाहता हूं कि आपकी जीवन शैली होनी क्या चाहिए, आप इसके घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं और आप इससे कैसे मुक्त रह सकते हैं। कि हमारे जो कोष्ठबद्धता या कब्ज का कारण होता है हमारी जीवन शैली, हमने अपना एक वीडियो आरोग्य आहार पर बनाया है और हमारे जो आदर्श हैं डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और डॉक्टर विमल छाजेर, उनके आप वीडियो को सुने। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और रात में जो तांबे के बर्तन में आप पानी रखा है उसको थोड़ा सुसुम करके बिना मुंह धोए 2 या 3 गिलास घूंट घूंट कर पी जाइए। उससे होगा क्या कि हमारे मुंह में जो पाचन का जो एंजाइम ये लार होता है वो हमारे पेट में चला जाता है और आपको कई बार हमने चर्चा किया कि वो क्षारीय होता है और क्षारीय होने के कारण अंदर की जो अम्लीयता है उसको न्यूट्रलाइज करके एसिडिटी हमारा दूर करता है, गैस से बचाता है। और अपने आहार में आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटाइए अन्य रोगों से बचने के लिए भी। तो आप सुबह से आप 12 बजे दिन तक अगर आप भोजन करते हैं, अपने वेट को अपने को तौलिए और अपने वेट का 1% यानी अगर आपका 65 किलो वजन है तो 650 ग्राम फल को आप सुबह से 12 बजे तक खाइए। 650 ग्राम कम नहीं होता, फल कुछ भी ले सकते हैं। कहा गया है कि जो ईश्वर प्रदत्त चीज है, ईश्वर प्रदत्त यानी या वृक्ष से जो हमें मिलती है, ईश्वर प्रदत्त तो सभी चीजें हैं लेकिन जो हमें वृक्ष पौधों से प्राप्त होता है वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है और जो जानवरों से प्राप्त होता है वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। अब उसको बाद में हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो आप 12 बजे तक फल लीजिए, उसके बाद आप अपने लंच में आप 0.5% माने 0.5% अगर आप लेते हैं तो सलाद पहले खा लीजिए तब आप खाना खाइए। खाना में कुछ भी खा सकते हैं और कैसा खाना होना चाहिए उसके बारे में मैं कुछ देर में अभी बताता हूं आपको। और शाम में आप थोड़ा सा भुजा ये मखाना का, चना का या जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। रात में फिर इसी तरह से जब डिनर लेंगे तो आप 0.5% आप ये सलाद को पहले खा के तब लेंगे। सलाद में आप खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली कुछ भी खा सकते हैं। आपको घटता हो तो आप स्प्राउट खा सकते हैं, अंकुरित अनाज भी उसमें शामिल कर सकते हैं, वो 0.5%। इसे होता क्या है कि आपके शरीर में वो जो वेट बताया कि 0.1% और 0.5% आप लगभग जो आपके इसके अवयव होते हैं वो लगभग आपका वो संतुलित हो जाते हैं, आप उससे लाभ लेते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब आप खाने में देखिए किचन से कुछ चीजों को निकालिए। निकालने में सबसे पहले तो आप वो जो आयोडीन वाली नमक है जिसको कंपनी में काफी केमिकल्स मिला के रिफाइन किया जाता है उसको हटाइए और सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। दूसरी चीज आप मैदा को हटाइए और मैदा के सारे प्रोडक्ट को, सारे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आजकल तो मैदा ही मैदा है, समूचा बाजार, समूचा घर, चाउमीन, भल ये पिज्जा और क्या क्या मुझे नाम भी बहुत सा याद नहीं है, समोसे और ये जलेबियां और ये क्या क्या बिस्किट्स, कुछ लोगों ने दावा किया है कि आटा की बिस्किट बनाते हैं तो आप उसको ले सकते हैं लेकिन मैदा वाला नहीं लीजिए। चलिए मैदा हटाने के बाद अब चीनी जो व्हाइट शुगर है उसको हटाइए, आप उसके स्थान पर आप लाल शक्कर वो गुड़ जिसको कहते हैं उसका प्रयोग कीजिए। स्टीविया पाउडर, स्टीविया का क्रिस्टल भी आने लगा है, स्टीविया के पत्ते उसका प्रयोग कीजिए, खजूर का प्रयोग कीजिए चीनी के बदले। चलिए अब इसका यह मतलब नहीं कि आप वो शुगर फ्री प्रयोग कर लीजिए सैकरी, वह भी नुकसानदेह है। उसके बाद आप एक का चीज कीजिए कि आप अपने भोजन से तेल को गायब कीजिए। तेल किसी भी तरह का हो, चाहे शुद्ध घी हो या शुद्ध सरसों का तेल हो, कुछ लोग कहते हैं घर का है सरसों उसको हम बहा के खाते हैं, नहीं जनाब, आप किसी भी तेल को अगर खाते हैं तो वही ट्राइग्लिसरॉल है। अच्छा, हमारे शरीर में ट्राइग्लिसरॉल बढ़ता है, आप जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो ट्राइग्लिसरॉल की चर्चा होगी और उसके बढ़ने से हमारा जो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हमारा हार्ट ब्लॉक होगा और बहुत तरह की विकृतियां होती है और वो जो ब्लॉकेज का सिलसिला है वो सिर्फ हार्ट में ही नहीं होता, पूरे शरीर में होता, तो इसलिए तेल उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। उसके अलावा आप मांस मछली अंडा भी अगर छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छी बात है और
उसकी जगह पर आप हरी सब्जियां जितना ज्यादा अधिक प्रयोग कर सके उसका कीजिए। हमने कहा था कि जानवर से प्राप्त प्रोडक्ट को मत खाइए, उसमें दूध भी आता है। दूध के बारे में कहा गया है कि 200 ml अगर दूध आप पीते हैं तो हमारे सारे जो बीटा सेल है मर जाते हैं। आप दूध से भी परहेज कीजिए। लाख लोग कहते हैं दूध में प्रोटीन है, दिमाग में बचती नहीं है बात, लेकिन आप दूध छोड़िए, देखिए कैसे रोग से मुक्त हो। प्रत्येक भोजन के बाद 1 घंटा बाद आपको पानी पीना चाहिए, वह भी घूंट घूंट करके। फ्रिज का पानी कभी मत पिए, ठंडा पीना है तो मिट्टी के घड़े में डालकर पिए। वाग्भट में अपने आपने यह स्पष्ट किया है कि भोजनांते विषम वारी। और इसमें प्रयोग करने के लिए बहुत सारी दवाइयां जो आपके बाजार में मिलती है, उसमें है त्रियोग, त्रिफला और इसबगोल की भूसी। आप त्रियोग त्रिफला घर में भी बना सकते हैं, इसबगोल की भूसी तो बहुत विभिन्न कंपनियां अब लेके आ रही हैं। फलों में आप देखिए बेल, अमरूद, सेब, नाशपाती, पपीता, अनानास और इसके अलावा आलू बुखारा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब आपके ये फल जो होते हैं ये आपके घर में भी है और ये आपके कोष्ठबद्धता को दूर करते हैं। आप देखिए एक उपयोग बना सकते हैं कि आप अजवाइन, जीरा और काला नमक, ये तीनों को बराबर मिला के रख दीजिए और इसका भी प्रयोग करने से आपका कब्ज दूर हो सकता है। एरंड का तेल, अंडी का तेल जो है वो जुलाब ही होता है, आप दूध में, पानी में या अंडी का तेल ऐसे भी थोड़ा सा ले लीजिए तो आप देखिएगा कि आपका कब्ज दूर हो सकता है। आप देखिए एक ये जो आप काजू मुनक्का, इसका प्रयोग सुबह में कीजिए, 5-7 काजू और 2-4-5 मुनक्का सुबह में, और रात में 5-6 मुनक्का रात में अगर प्रयोग करिए तो आपका कब्ज भी दूर होने की संभावना बहुत बन जाती है। आप देखिए ये नींबू का रस और काला नमक में नींबू का रस निचोड़ के आप थोड़ा सा ले लीजिए, और देखिए आप शहद को भी जल में डाल के लीजिएगा तो आपको लाभ करेगा। बुलेठी बहुत उपयोगी चीज है भाई जी, और इसको गुड़ के साथ सेवन कीजिएगा तो आपके जो खास करके कब्ज है वो दूर हो सकते हैं। सौंफ, आप देखते होंगे होटल में सौंफ और मिश्री का एक थोड़ा सा रखा रहता है कि आप खाने के बाद थोड़ा सा ले लीजिए, या गैस नहीं बनने देता है, कब्ज नहीं होने देता है, काफी अच्छा। चना और अलसी का प्रयोग तो आप कीजिए, इसको हमने बताया है कि आप शाम में इसका भुंजा लीजिए। अलसी तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात में प्रयोग कीजिए तो आपके बहुत सारे रोगों से आपकी मुक्ति मिलेगी। साग में आप पालू, ये चौल, ये क्या कहते हैं, चौलाई का, या और भी किसी का वो लीजिए, मेथी का ले सकते हैं आप। और देखिए इसमें कॉफी ग्रीन टी, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको आप बहुत सारे सब्जियों में हरी सब्जी खास करके वो आपको बहुत उपयोगी हो सकता है। आप देखिए इसमें प्राणायाम, योग तथा वो ये क्या कहते हैं व्यायाम, ये भी आपके लाभ में कारण हो सकता है। आप देखिए इस नई अगर कीजिएगा तो क्या होगा, आपकी इसकी परिणति पाइल्स में हो सकती है। पाइल्स में हमने ऊपर कहा था कि भोजन के 1 घंटा बाद पानी घूट घूट कर पिया कीजिए, क्योंकि आप अगर शुरू में पीते हैं आपके पेट में जाके जो पाचन क्रिया होती है उसमें ये गर्म होना जरूरी है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। अगर ठंडा पानी हम डाल देते हैं तो जठराग्नि बुझ जाती है और पाचन की क्रिया नहीं होती, वही कब्ज और गैस का कारण बनता। और जब कब्ज क्रोनिक हो जाता है तो वो खूनी और बादी ये क्या कहते हैं पाइल्स में, ये बावशीर में, अर्श में वो परिणत हो जाता है। खाने में आप पनीर बड़ा शौक खाते हैं, दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट खाते हैं, दूध, दही, छाछ, और प्रयोग लोगों ने बताया है, बहुत सारे बताया। हम ऊपर जिन महापुरुषों का नाम लिया उन्होंने भी कहीं कहीं इसके प्रयोग की चर्चा की है, लेकिन मेरा निवेदन है कि जानवर से मिला हुआ, देखिए भाई जी एक मनुष्य ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता, आप खोल के देखिए, ढूंढ के देखिए, दुनिया का कोई जानवर नहीं है जो दूसरे जानवर का दूध पीता। अगर इसको आप पालन करेंगे तो आप कभी कब्ज के शिकार नहीं होंगे, और कब्ज के शिकार नहीं होंगे तो फिर रोग आपके शरीर में फटकने नहीं पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।